अक्सर लोग कहते हैं कि या तो ग्रेवी हो या तो स्टार्टर हो, ठीक है। ग्रेवी भाग जब रोटी खाना होगा, राइस खाना होगा, तो लोगों को ग्रेवी ही चाहिए या दाल चाहिए, यानी लिक्विड होना चाहिए, और या तो फिर स्टार्टर है जो खा लेंगे, उसके बाद में मेन कोर्स खाएंगे। लोगों में कंफ्यूजन रहता है। पर पहले लोगों क्या करते थे कि एक कबाब लिया, कोई भी कबाब लिया, सेक कबाब लिया, सामी कबाब लिया, इस तरह पसंदा लिया, कुलचा लिया या रोटी लिया, पराठा लिया, उसके साथ लोग खा लेते थे। तो अब जो खाने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। अब अगर लिक्विड बनाएंगे, यानी कि चिकन हो, मटन हो, कुछ भी बनाएंगे, तो उसके अंदर ग्रेवी होगा। स्टार्टर बनाएंगे तो ड्राई होगा, पर हम मेन कोर्स ही बना रहे हैं लेकिन ड्राई होगा। जैसे हम कबाब के हो रोटी के साथ खा लेते थे, सेम इसी तरह ये है। और हम अक्सर बोलते हैं कि आपको मैं इतना इजी बताऊंगा कि कोई भी आदमी खाली हमारे इंग्रेडिएंट्स पहले वीडियो को देख ले और आग पे पट्टी बांध के आप बना सकते हैं, इतना आसान बता देता हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम, रफीक के जायके में आप सभी को खुशामदीद। आज हम बनाएंगे काली मिर्च चिकन। तो काली मिर्च चिकन कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूं। तो आधा किलो चिकन हमने लिया है, इससे बनाएंगे, हमें इसको मैरिनेशन भी नहीं करना है, और अब बनाते हुए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इसी पैन के अंदर हम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम एक 3 टेबल स्पून जितना तेल डाल देंगे, और ये रहा जीरा 1/2 टीस्पून, इसको भी हम डाल देंगे। करी लीव हमें बहुत पसंद है, इस वजह से हम डाल देते हैं। आपको नहीं खाना है, नहीं पसंद है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो जैसे ये पटाखे फोड़ने लगे, चिकन डाल दें। चिकन हमने हड्डी वाला पीस लिया है, तो बस इस तरह इसको हम पकाते रहेंगे, और 10 से 12 मिनट 15 मिनट लग जाएगा हमें इसको पकाने के लिए। हमें इसके अंदर पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस इसी तरह हमें इसको पकाते रहना है। तो गाइस थोड़ा सा नमक हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि थोड़ा सा पानी इसका छूटे और चिकन हमारा गले। बस थोड़ा थोड़ा इसको अलटी पलटी करके इसी तरह पकाते रहना। आपको इसका पानी जो छूटेगा, बस इसी पानी में ये पक जाएगा, आपको पानी डालने की जरूरत नहीं है। और चिकन लाजवाब होने का आप एक बार ट्राई जरूर करिए। तो गाइस थोड़ा पानी है अभी, इसी टाइम हम 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देते हैं, थोड़ा कलर भी बढ़िया हो जाए, और 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन पेस्ट, फिर इसको मिक्स कर दें। थोड़ा जूलियन कटा हुआ हरी मिर्च डाल देंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, फिर 2-3 मिनट पकाएंगे, इसके बाद उसको हम आपको दिखाएंगे। तो गाइस चिकन हमारा तकरीबन हो गया है, देख सकते हैं कलर भी बढ़िया हो गया। तो थोड़ा सा इसको हम और सूखा करेंगे, थोड़ा कलर आ जाए, ड्राई बढ़िया। इसी तरह अल्टी पट्टी करके 2 मिनट तक हम और पकाएंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। देख रहे हैं हल्का हल्का ब्राउन दिखने लग रहा है चिकन का, तो इस तरह कलर थोड़ा बढ़िया आना चाहिए। गैस काली मिरी है तो थोड़ा सा काली मिरी हम और डाल देंगे, 1/4 टीस्पून जितना, ताकि इसका फ्लेवर बढ़िया आ जाए। और अब हमारा काली मिर्च चिकन रेडी है। तो गाइस रेडी है, देखा आपने कितना सिंपल दिखाया हमने। वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।